दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके साथ। आज हमारे पास है इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चंस हैं वो किताब से ली गई है, यानी कि पैनोरामा पार्ट टू, जो कि आप लोगों का किताब है इंग्लिश का, तो उससे ली गई है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दो चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो ये वीडियो आप ज़रूर से देखना। आइए दोस्तों, वीडियो की तरफ आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हम लोगों ने हिंदी के भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपका रिवीजन कराए हुए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जाकर के एक बार ज़रूर से देखें। तो आइए, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोज सेक्शन से पहला चैप्टर द पीस फॉर लिविंग, और जो हमारा दूसरा चैप्टर है मी एंड द इकोलॉजी बिट, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे जा चुके हैं पहले एग्जामिनेशंस में, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आएंगे दोस्तों। दोस्तों, एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि जो चीज़ें हम लोग देखते हैं वो सुनने से ज़्यादा बेटर याद नहीं हो सकता, यानी कि हम जो चीज़ें सुन करके याद कर सकते हैं वो आप पढ़ करके याद नहीं कर सकते हैं। बिकॉज यदि आप वीडियो देखते हैं तो आपको जनरली बहुत ही जल्दी से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले कलर को चेंज कर लेते हैं, ब्लू में डाल देते ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे आज का हमारा पहला प्रश्न, और मैं आपको दिखाऊंगा एक एक इसमें क्या क्या है, कब पूछा गया है, सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आंसर्स को मैं आपको बताऊंगा कि किसका क्या राइट आंसर है, और ध्यान दीजिए ये एक प्रीमियरिंग वीडियो है तो आप चार्ट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके बीच, द पीस फॉर लिविंग इज रिटन बाय, दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेगा। द पीस फॉर लिविंग इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है, दोस्तों आपको यहाँ बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, आप जैसा कि देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, आर सी हटचिंसन, ठीक है। आर सी हटचिंसन जी ने द पीस फॉर लिविंग को लिखा है, और ये चीज़ें आपको इन राइटर के जो स्टार्टिंग में आपको पॉइंट देखने को मिलता है, कुछ लेख है उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा दूसरा नंबर है यहीं पर, इन द पीस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मैन, अब ये यहाँ पे आपको बताता है कि क्या कैप्चर्स किया है किसी आदमी के विषय में, और ये जो क्वेश्चन है वो दो बार जो पूछा जा चुका है, एक बार 18A में और इससे पहले भी एक बार पूछा जा चुका है, जिसमें मेंशन नहीं है, आपको क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएगा। इफ़ जो पहला वाला प्रश्न था वो भी 2018 के सेकेंड एनुअल में एग्जामिनेशन पूछा गया था सेकंड पाली में, जिसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए मॉडर्न, ठीक है। द पीस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनोजी ऑफ मैन, ये जो मॉडर्न मैन का यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पे होगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच, तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सॉ वाज एन, यहाँ पर डैश दिया गया है, और कॉर्न और मर्चेंट, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछी जा चुकी है 2018 के पहली पाली में। चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर, पहला है एल्डरली, दूसरा है हैंडीकैप्ड, तीसरा है यंग, और आपका ऑप्शन नंबर डी है डायबिटिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा एल्डरली। द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सॉ वाज एन, चूँकि एन इस लगेगा क्योंकि यहाँ पर एल्डरली का प्रयोग किया गया है, इसका स्टार्टिंग भी जो है हमारा ई से है, और प्रोनाउंसिएशन में भी हमारा ई ही आ रहा है एल्डरली। अगला प्रश्न, चौथा नंबर आपके बीच, चौथा नंबर प्रश्न है, द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल डैश ऑफ ट्रेवल, तो यहाँ भी आपको चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं। द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर्स द रियल डैश ऑफ ट्रेवल, तो यहाँ भी आपको चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए है पेंस, दो है प्लीजर, और तीसरा ऑप्शन आपका है ड्रीम्स, और चौथा है नॉलेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी प्लीजर। द ऑथर एडमिट दैट क्विक ट्रेवल्स डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल प्लीजर ऑफ ट्रेवल्स, दोस्तों इसका जो PDF है आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा पांचवा नंबर, स्लो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग अ। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पहला है कार, दूसरा है फैक्ट्री, तीसरा है लिविंग और चौथा है होलीडे। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा सी, लिविंग। स्लो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग अ लिविंग। बढ़ेंगे आगे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न छः नंबर, आर सी हटचिंसंस वाज अ। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं और इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश नोवेलिस्ट। आर सी हटचिंसंस जो थे वो ब्रिटिश नोवेलिस्ट उपन्यासकार थे। दोस्तों मैं सभी प्रश्नों को यहाँ पर डील नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यदि मैं सभी प्रश्नों को डील करूँगा ना तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे, आंसर समझेंगे, कौन सा राइट आंसर है फटाफट से याद कर लें क्योंकि एग्जाम के बाद से कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा है सातवां नंबर, वेयर डिड द ऑथर सी अ प्ले रोल इन विच अ कॉर्न मर्चेंट वाज द थीप कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर डिड द ऑथर सी ए प्ले इन विच अ कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर। तो इसका जो चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, राइट आंसर इसका होगा आपका सी, डबलिन। ठीक है, तो डबलिन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आठ नंबर, हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग ऑफ 10 यूरोज ऑन अ होलीडे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है चार ऑप्शंस और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा टी, वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। आपके बीच नवा प्रश्न, ऑप्शन आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा, प्रश्न को पढ़ लेते हैं, हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। यहाँ भी आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेगा, चार ऑप्शन है ए बी सी और डी, हिज सन, हिज नेफ्यू, हिज डॉटर, हिज वाइफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिज नेफ्यू, उसने ही चीट किया था। अगला क्वेश्चन दस नंबर, हु डिडंट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। यहाँ भी आपको चार ऑप्शन देखने को मिलता है, ए है कॉर्न मर्चेंट, बी है निफ्यू ऑफ कॉर्न मर्चेंट, सी है द ऑथर और डी है वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द ऑथर। द ऑथर डिड नॉट डिसलाइक, द ऑथर नॉट जो है डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो गया द ऑथर। अगले और बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा है ग्यारह नंबर, Who did like fast traveling? चार ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, द कॉर्न मर्चेंट, द वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, द ऑथर या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो होगा द ऑथर। द ऑथर लाइक फास्ट ट्रेवलिंग, ठीक है, क्योंकि यही चाहते थे फास्ट ट्रेवलिंग करना। अगला प्रश्न आपके बीच बारह नंबर, विच वर्ड इज द पैसेज स्टैंड्स फॉर वर्शिप। चार ऑप्शन, ए है एडोर, बी है स्पिरिट, सी है एस कैपियर्ट और डी है डिस्पेयर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर, एडोर इज द वर्ड ऑफ पैसेज स्टैंड फॉर वर्शिप। आगे की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न तेरह नंबर, विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग। चार ऑप्शन, द फास्ट थिंकर, स्लो थिंकर, स्टडी थिंकर या नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा हमारा स्लो थिंकर। दोस्तों बढ़ते हैं पहले चैप्टर के हमारे लास्ट प्रश्न की तरफ, चौदह नंबर, हाउ मैनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म। और इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, थ्री गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म। दोस्तों ये थी पहले चैप्टर की चौदह प्रश्न और ये 14 questions ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस चैप्टर से, जो कि अभी मतलब यहाँ पर नहीं, मेरे पास 14 questions थे जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। मैं आपसे एक बार वापस से कहना चाहूँगा कि जितने भी गाइड्स अवेलेबल हैं मुझे मिलते हैं
तो मैं सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खासकर साइंस एंड मैथ का आपके बीच में जरूर से लाऊंगा ऑब्जेक्टिव, तो वो वीडियो आप जरूर से देखना। इस वीडियो पर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर से कर लीजिए। ये वीडियो आपको तब काम आएगा जब आपके एग्ज़ाम्स जो है नज़दीक आ जाएंगे। जी हाँ, जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएंगे तो ये वीडियो यदि आप देखते हो तो फटाफट से आपका रिवीजन हो जाएगा और ऐसे प्रश्न आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपके बीच में है सेकंड चैप्टर, मी एंड द इकोलॉजी बिट। इसमें भी कुछ प्रश्न हैं, इसको भी देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यदि मैं एक प्रश्न को पढ़ के समझूंगा और आपस में आपको समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसमें प्रश्न और डायरेक्ट उसके आंसर्स बता दे रहा हूँ, तो मैं बोल इस रहा हूँ ताकि आप सुने तो आपके कान में ये चीज़ें रहें और आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो पहला प्रश्न, चैप्टर नंबर 2, मी एंड द इकोलॉजी बिट। इन दिस लेसन द नरेटर टॉक्स अबाउट हाउ ही एडवाइसेस एवरीबॉडी व्हाट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिलता है, एल्डरली, इकोलॉजी, चिल्ड्रेन और पीडेस्ट्रेंस। ठीक है, पेडेस्ट्रेंस। तो ये आपको चार ऑप्शन, इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा इकोलॉजी। और आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये जो चैप्टर से वो इकोलॉजी के ऊपर है, तो इसका राइट आंसर इकोलॉजी ही होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच नंबर 2, द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लिव्स एज इट इज। ठीक है, डैश दिया गया है, फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, चार ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, एक्सीलेंस, बैड, बू, गुड एंड हेल्पफुल। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स डू नॉट बर्न लिव्स एज इट इज, बैड फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। उन्होंने कहा था कि ये जो आप पत्ते जला रहे हैं वो गलत चीज़ें हैं, आपको इससे नहीं जाना चाहिए, इसमें एयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि टाइम लिख जो दोस्तों ज़्यादा लग जाएगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीन टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हु डैश देम। ठीक है, चार ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर बर्न्ड, बॉट, रीड एंड कलेक्टेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो जिम जे थे वो पूछे थे मिस्टर ग्रीन से टू कीप द ओल्ड न्यूज़ पेपर फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हु कलेक्टेड देम। जो पुराने पेपर्स होते हैं वो स्टूडेंट लोग, चिल्ड्रंस, बच्चे जो होते हैं जो जाते हैं स्कूल, वो कलेक्ट करते हैं, तो उनके लिए वो रख दें। अगला प्रश्न, चौथा नंबर है आपके बीच, जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन दैट इट वुड रिड्यूस डैश, यहाँ पे आपको भरना है, और यहाँ पे है एंड सेव इकोलॉजी इफ ही डिड नॉट यूज हर कार फॉर ट्रेवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, पेट्रोल, पॉल्यूशन, वेट एंड डीजल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पॉल्यूशन। इस चैप्टर में आपको पर्यावरण के विषय में बताया गया है, तो इस चैप्टर का आप जरूर से पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकता है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है पांचवा नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा पांचवा नंबर प्रश्न, जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड अप डैश बाई वॉचिंग टेलीविज़न ऑल द टाइम। ये प्रश्न आपके 2018 के एनुअल एग्जामिनेशन के फर्स्ट पाली यानी पहली बार में पूछा गया है। चार ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, पेट्रोल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड टाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 6। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की तरफ। छठा नंबर प्रश्न बहुत ही तगड़ा, हु इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट। और इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा, यदि आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपको कॉर्नर में ही देखने को मिल जाएगा, और वो है हमारा लोन लेक्सकू, लोन लेक्सकू। तो
तो ये छठे नंबर प्रश्न का जो इसका राइट आंसर है वो होगा लोन एग्जाउ लेग्जाउ। अगला प्रश्न सातवां नंबर है और ये भी, इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर डैश। यहाँ भी आपको चार ऑप्शन देखने को मिलता है, पहला है इन्वायरमेंट, दूसरा है हारमोनी, तीसरा है फॉरेस्ट स्टेशन और इसके बाद है आपका इकोलॉजी। तो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों डी इकोलॉजी। इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, और सही बात है, ये चीज़ें आपको माननी पड़ेगी। लोग पर्यावरण के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही है, खासकर आप दिल्ली में देखिएगा तो इसका बहुत ज़्यादा असर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न बढ़ेंगे अगले की ओर, तो अगले प्रश्न की तरफ अगला अगर बढ़ेंगे, आठ नंबर है ठीक है, व्हाट डिड द अथर डू फॉर एनवायरनमेंट, क्या करना चाहते हैं भाई अथर। चार ऑप्शन देखने को मिलता है आपको, डूई प्लांटेशन, एवॉइडिंग पोल्यूशन, बाई एवॉइडिंग पीपुल, या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, चार आठवां नंबर प्रश्न का चार ऑप्शन, इसका राइट आंसर दोस्तों होगा सी नंबर, बाई अवेयरिंग पीपल। वो जागरूक करना चाहते हैं ताकि लोग जागरूक हो जाएं और इस चीज़ों से बचें ताकि इन्वायरमेंट भी शुद्ध रहे। अगला प्रश्न आपके बीच नौ नंबर, टू हुम डिड द ऑथर टेल दैट यू शुड नॉट बर्न द लिप्स, किसको कहा था। तो यहाँ पे एक पहले प्रश्न हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे बताया भी गया था, तो इसमें से वो व्यक्ति है ही नहीं, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, तो नौ नौ प्रश्न, आंसर इज नन ऑफ दिस। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा नंबर था, द नरेटर, नरेटर ने कहा था, किसने कहा, नरेटर ने कहा था मिस्टर विलियम्स, मिस्टर विलियम्स से, नॉट टू बर्न लिप्स एज इट इज़ हार्मफुल या बैड फॉर इकोलॉजी। तो यहाँ पे था, हु डिड द ऑथर टेल दैट शुड नॉट बर्न द लिप्स। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न दसवां नंबर, विच राउट डज द ऑथर फॉलो। यहाँ पे भी चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं आपको, फिजिकल राउट, कम्युनिकेशन राउट, पेपर राउट, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पेपर राउट। पेपर इज द राइट आंसर ऑफ विच राउट डज नॉट द ऑथर फॉलो क्वेश्चन। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न 11 नंबर है, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज गुड फॉर गार्डन, क्या था ऑथर के हिसाब से कि गार्डन के लिए बढ़िया चीज़ें क्या थी। यहाँ पे आपको चार चीज़ देखी गई है, पहला ऑप्शन आपका है फर्टिलाइजर, दूसरा आपका है इरिगेशन, तीसरा आपका है कंपोस्ट, चौथा आपका है नन ऑफ दिस। राइट आंसर होगा दोस्तों शी, कंपोस्ट। और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न 12 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स। यहाँ पे कुछ आपको प्रक्रिया बताई गई है, चैप्टर्स पढ़िएगा सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑप्शन आपको देखने को मिलता है चार, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, सॉरी नोज पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन एंड नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, नोज़ पोल्यूशन। व्हाट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाई कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम, और थोड़ी तो दुर्गंध वगैरह आती है, तो विलियम्स ने कहा था कि नोज़ पोल्यूशन हो सकता है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न तरफ, क्वेश्चन नंबर 13, विच वर्ड इज द पैसेज इज नोन एज फिल्थ। यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन देखने को मिलता है, गार्बेज, कंपोस्ट, इकोलॉजी एंड लॉन। राइट आंसर दोस्तों होगा ए, गार्बेज। कूड़ा कचरा को हम लोग पैसेज में फिल्थ के नाम से जाने हैं, एक वर्ड यूज किया गया फिल्थ दैट मीन्स गार्बेज। आगे की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर, वेयर वाज मिस्टर ग्रीन पीलिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, चार ऑप्शन देखने को मिलता है आपको और इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा हमारा ए, नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स। तो मिस्टर ग्रीनी पीलिंग अ न्यूज़पेपर टू गार्बेज बैग्स। आज का हमारा 15 नंबर और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मिस्टर विलियम्स एक्चुअली मीन टू से टू जिम। और इसका चार ऑप्शन देखने को मिलता है आपको, कंपोस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट, कंपोस्ट इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, या ऑप्शन नंबर सी है आपका, कंपोस्ट स्मेल्स ऑफ द होल स्ट्रीट, या नन ऑफ दिस। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, कंपोस्ट
स्मेल्स ऑफ द होली स्ट्रीट, थोड़ा सा ये दुर्गंध देता है, बट इट इज बेस्ट फॉर प्लांटिंग। एंड आपको चैप्टर्स पढ़ेंगे तो सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, और इसमें हम लोगों ने सिर्फ रिवीजन किया कुछ क्वेश्चंस का, जो कि इंग्लिश पैनोरमा पार्ट टू का पहला और दूसरा चैप्टर्स था। आई होप कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई। यदि आपको कुछ डाउट है, यदि आप कुछ नया चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर से बताएँ। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक नहीं किया है ज़रूर से करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब किया है नहीं किया है, कर लिया तो अच्छी बात, नहीं किया तो कर लें। और भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए आप इजाज़त। नमस्कार।